जनपद संभल के चंदौसी में आज प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गुलाब देवी के नेतृत्व में लोगों को स्वच्छता अपनाने के लिए और प्लास्टिक छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए आज गांधी संकल्प यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि प्लास्टिक पर्यावरण और मनुष्य दोनों के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये नष्ट नहीं हो सकती, इसलिए लोगों को प्लास्टिक छोड़ने का प्रण करना चाहिए, जिससे हम उस भारत का निर्माण कर सकते हैं जिसे गांधी जी चाहते थे। महात्मा गांधी संकल्प यात्रा आप लोगों ने निकाली है, इसमें आप क्या कहेंगे? ये महात्मा गांधी जी का 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने पद यात्रा पूरे देश में और एक विधानसभा में 10 किलोमीटर की एक दिन में हमको पदयात्रा करनी है। इसी प्रकार से पूरी लोकसभा में 150 किलोमीटर की पदयात्रा होगी, जिसमें संभल और असमोली हो चुकी है। अब आज से चंदौसी विधानसभा की माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग 10 किलोमीटर तक पदयात्रा करेंगे, फिर अगले दिन 10 किलोमीटर, फिर अगले दिन फिर 10 किलोमीटर, इस तरह से पदयात्रा करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत का है, उसका संकल्प लेते हुए पॉलीथिन का बहिष्कार करना और स्वच्छता का संदेश जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, अभी आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने भी समुद्र किनारे जाकर खुद पॉलीथीन बीनना और उनको सही उचित स्थान पर पहुंचाना, इसका बहिष्कार करना ये किया है। तो ये जन जागरण उसी के तहत है, पार्टी के द्वारा आया हुआ। आज गांधी संकल्प यात्रा आपने निकाली है, इसमें क्या कहेंगे? महात्मा गांधी जी के संकल्प यात्रा पर हम लोग स्वच्छता के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं, एक स्वच्छता को लेकर चल रहे हैं और प्लास्टिक का विरोध हो इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। ये जन जागृति है, जैसा उनका संकल्प था महात्मा गांधी जी का, हमारे प्रधानमंत्री स्वयं आगे बढ़कर ये कदम उठा रहे हैं और वो एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उसी प्रेरणा को लेकर उनके संकल्पों को साकार करने के लिए हम लोग आज हमने ये रैली निकाली। आज ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये एक रूट बना हुआ है इसका, ये लगभग 10 किलोमीटर हमारी रैली जाएगी। ये नित्य प्रति 10 किलोमीटर, हर विधानसभा में 30 किलोमीटर का है इसका, कि 30 किलोमीटर ये चलेगी। 3 दिन की है ये हमारी यात्रा। अच्छा, प्लास्टिक को संदेश देना चाहेंगे आप जनता? नहीं, प्लास्टिक का यही है कि प्लास्टिक जो है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। मानव जीवन के साथ साथ ये पशुओं के लिए भी बहुत बड़ी खतरनाक है। जो पशु इसके लिए खा लेते हैं वो जीवित नहीं रहते, उनको बहुत वेदनाओं का शिकार होना पड़ता है और वो अंत में तड़प तड़प के ख़त्म हो जाते हैं। और वैसे भी ये संक्रामक रोगों की जननी है प्लास्टिक, इससे विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए जन्म होता है। और पानी में ये गलती नहीं है, पशुओं के पेट में गलती नहीं है, इसलिए हर तरीके से विनाशकारी है। तो सब हमारी पार्टी जो है इसका विरोध कर रही है, सरकार भी इसमें पूर्ण रूप से सहयोगी बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आगे बढ़कर प्लास्टिक का विरोध कर रहे हैं और स्वच्छता के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान दे रहे हैं।